मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस मैनर्स से बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। और उत्तर में बाबा कहते हैं, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स हैं, तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। और दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो, हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। मुरली का गीत है आज के इस इंसान को। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावनाओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुगी दुनिया में पतित हैं और सत्य की दुनिया में पावन हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। यह तुम बच्चे जानते हो, सत्युग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहां कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। यह है मुर्दों की दुनिया जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी। महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है और लड़ाइयों में ऐसा होता नहीं। भागवत में लिखा हुआ है कि ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मी भूत कर दिया है, सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है कि कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते बहुत हैं। सत्युग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो कोई अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं कि हे पतित पावनाओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया है। असल में कायदा था कि कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतलानी है।
आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर मना साइन लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बराबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो कि वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है, सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है यह तो तुम जानते हो कि अब घर घर में घोर अंधेरा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, बरोबर घोर अंधेरा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है, उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिलकर के माना हस्ताक्षर लेकर फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक है, वह है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी ये सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान मार बाण मरवाए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में नंबरवार तो होते ही है ना। तो बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़ों को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़ बच्चे आपके बदले तू तू करके बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। करेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने करेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो अहो भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था, सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है, उनको क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने कोई बड़े थोड़ी थे। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था कि ये राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले कि तुम आसुरी राज्य में क्यों रहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था कि ये आसुरी दुनिया है, दैवी राज्य तो सत्युग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहां वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, सत्युग से तो नहीं कहेंगे। वहां ये भक्ति मार्ग का अंश नहीं, इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है।
भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया, जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाप के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में है, बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है कि यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं, बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात सरस्वती की रात, ब्रह्मावंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सुदेवता बनते हैं। पॉइंट्स तो तुम बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और बाहर निकले खलास, जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहां कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई विरले निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए कि ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़े ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, यह नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है, विश्व के रचिता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं, फिर यहाँ क्यों भूलते हो, घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते, यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं वह भी भूल जाते हैं, कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें कि बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं, नहीं तो बाबा समझ लेते हैं कि माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। बुद्धि भी कहती है कि ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको तो निरंतर याद करना चाहिए, परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है, जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे, जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थाई नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है, श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है, मालिकपने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परमपिता कहा जाता है, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है, माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए कि तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि तो खलास हुए थे, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वह स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे, यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहां कहां अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान
सिकवा प्रेम से नमस्ते ओम शांति प्यारे बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं, एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। और दूसरा विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट्स हैं, इस नशे में रहना है, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है। बाबा ने वरदान दिया, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। सांप को शैया बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए, माया से हार खाने की युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। स्लोगन, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।